आप देख सकते हैं पुलिस इस बीजेपी सरकार की तानाशाही इस बीजेपी की तानाशाही गुंडागर्दी किसानों के साथ कितना न्याय करे, रात को सोने में नहीं देती। ढाई बजे गुरनाम सिंह का फोन है, ढाई बजे रातों को रेड मारती है। आप देख सकते हैं किसानों को रोकने के लिए संख्या में बैरिकेड लग चुके हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में बैरिकेड लग चुके हैं। सभी किसान जीती रोड पे पहुंचे, करनाल कुरुक्षेत्र पीपली यमुनानगर के इलाके के जो भी किसान हैं, बैरिकेड तोड़ने की तैयारी है। आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं, इन्हें बैरिकेड लगाए हुए हैं पुलिस ने। तो आप बैरिकेड तोड़ते हुए किसान, आप देखते हैं किसानों के बैरिकेड तोड़ते हुए किसानों का बीच में भिड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं किसानों का कितना जोश किसानों का। आप देख सकते हैं कि अभी भी जोर जाम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हजारों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किसे किसान पलटा रहे हैं, किसानों को कितना जोश, किसान जोश बैरिकेड का तोड़ दिया। सभी किसान पहुंचे दिल्ली कूच के लिए पहुंचे, सभी करनाल के कुरुक्षेत्र के पीपली के सभी जीती रोड पे चढ़ जाए, किसान सारी बैरिकेड तोड़ चुके हैं, जो भी लगा हुआ था सेंटर में। आप पहुंचे जल्दी, सारी बैरिकेड तोड़ दिए हैं किसानों ने, दिल्ली के लिए कूच निकल चुके हैं, दिल्ली के लिए। पीछे से पंजाब का जत्था भी आ रहा है, हम हर हालत में किसान दिल्ली जाएंगे, दिल्ली देख सकते हैं। किसानों को समझाते हुए गुरनाम सिंह चुड़ूनी भी कोई गलत काम ना करें, बैरिकेड किसानों के पुलिस के साथ ना झगड़े, ना कोई बातचीत करे, सिर्फ किसानों को समझाते हुए गुरनाम सिंह चुड़ूनी किसानों को समझाते हुए भी हमारा आंदोलन शांति प्रिय है, बिल्कुल हमारा शांति प्रिय आंदोलन रहेगा। कोई भी किसान किसी के साथ पुलिस के साथ किसान बैरिकेड तोड़ चुके हैं सारे, किसानों में इतना जोश है क्योंकि 3 अध्यादेश कानून आ रहे हैं, बिल्कुल किसानों के लिए खिलाफ हैं। अगले आदेश दो जी, आदेश करो जी, रहने दो, आपने नहीं भाई, एक मिनट आपने। किसानों ने बैरिकेड तोड़ चुके हैं, जो बड़े बड़े बैरिकेड तोड़ चुके हैं, देख सकते हैं आप हजारों की संख्या में किसानों का जोश, बड़े बड़े जो सीमेंट के बैरल थे आप देख सकते हैं किसानों कैसे बैरल को तोड़ रहे हैं, किसानों में इतने जोश है। आप देख सकते हैं सभी किसान पीपली पहुंचे, देखो बड़े बड़े जो सीमेंट के हैं खड्डे हैं। चलो भाई चलो आगे चलो सभी किसान निकल चुके हैं।
आप सकते हैं गुरनाम सिंह प्रशासन के साथ बात करते हुए सभी किसान पहुंचे पीपली कुरुक्षेत्र केथल के एरिया जीती रोड पर पहुंचे वहां से दिल्ली कूच के लिए निकल रहे हैं। गुरनाम सिंह चुरूनी प्रशासन से बात करते हुए मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि दिल्ली के लिए हमें जाने दो क्योंकि किसान प्रशासन भी किसान का अन्न खा रहा है क्योंकि प्रशासन भी किसान भी देखो पानी के बिछारे चलो चलो ना चलो 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 आगे चलो चलो 12 318 चलो ना उठाओ प्रधान जी उठाओ वालों हो चुकी है क्योंकि प्रशासन भी किसान का अन्न खाता है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में प्रशासन पहुंच चुका है यहां पर वन कैन भी यहां पर आप पहुंच सकते हैं प्रशासन भी सभी किसान पहुंचे जीती रोड पे चढ़ जाएं क्योंकि बैरिकेड तोड़ चुका है जो भी जीती रोड पे लगा हुआ था। आप देख सकते हैं किसान का अन्न खाता है किसान का अन्न खावा किसान का अन्न खावा प्रशासन किसान का किसान के साथ गद्दारी ना करे प्रशासन प्रशासन किसान प्रशासन प्रशासन भी किसान का अन्न खाता है प्रशासन भी किसान का अन्न खाता है। उसकी घरों में जो आज खड़े हुए हैं ये देख सकते हैं चलो चलो दिल्ली के लिए चलो किसान का अन्न खाता है किसान का अन्न खाता है चलो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं सारे बैरिकेड तोड़ के चल दिल्ली क्योंकि प्रशासन भी किसान का अन्न खाता है। ये लाठी जो मारेगा सोच समझ के मारेगा प्रशासन क्योंकि इनके घरों पे भी रोटी जो पेट में जो भी खाते हैं यो किसान का है किसान का पैदा किया हुआ है। आप देख सकते हैं किसानों में कितना जोश है सभी किसान पहुंचे जीती रोड पर निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन कितना अस्सी साल पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर सभी किसान पहुंचे क्योंकि प्रशासन से भी अनुरोध है हमारा ना कि किसान का अन्न खावा भाई सोच समझ के चलाइए किसान का अन्न खावा किसान का अन्न आपके पेट में है किसान के बेटे आप भी हैं सोच समझ के चलाइयो प्रशासन आप भी दिल्ली चलो हमारे साथ एक दिन के लिए छुट्टी छोड़ दो आप कुछ नहीं रखा तानाशाही सरकार की बीजेपी रात को हमें तीन दिन से हमें किसान रात को सोए भी नहीं चाहिए स्टाफ रात को हमारे घर पर रेड मारती है मेरी वाइफ को इतना प्रशासन किया इतना तंग किया मेरी वाइफ के साथ व्यथा पाएगी किसान प्रशासन इतना दबंगी कर रहे हैं तानाशाही हमें रात को सोने देते ढाई ढाई बजे रात को रेड मारती है पुलिस सभी किसान पहुंचे प्रशासन बात करता हुआ पानी ना मारियो भाई किसान सभी किसान पहुंचे बैरिकेड के लिए हेलो भाई सारे पीछे आइए पीछे अरे यार मैंने बोला था मेरे से आगे कोई ना जाए तो फिर आप मेरे से आगे क्यों निकल रहे हो भाई क्या है प्रधान जी के 6000 किसानों में इतना जोश है सभी पीपली कुरुक्षेत्र पहुंचले किथल के एरिया के जो भी करनाल यमुनगर के सुचरौली खिलवा बिल्कुल किसानों में आज इतना पहली बार जोश देखा है
नहीं जो है पुलिस द्वारा यहाँ वाले भाई भी पीछे आइए प्लीज, मेरी बात सुनिए। जो है वो लगातार अपने सभी किसानों को बता रहे हैं कि जो है शांति पीछे आइए यहाँ पर बने, मेरी बात सुन नहीं रहे क्या आप लोग? कोई भी उपद्रव जो है वो हमें नहीं करना है और आराम से जो है बातचीत कर रही है। मजा आएगा भाई, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिए, चुप करके एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। आवाज बंद होगी तब आपको आवाज सुनेगी, आप अपने अपने आवाज बंद करिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी कौन सा है? अभी सुन लो, अभी आपने बैरिकेड तो तोड़ दिया, रास्ता तो खुल गया ना? हाँ जी, हाँ जी, रास्ता तो खुल गया ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रशासन ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें आप आधे घंटे का टाइम दे दो, हम एक मिनट यार तो ले तो पूरी बात है, पूरी सुन। अभी तक इनके पास चार बसे नहीं दी गया, पता नहीं कोई क्या क्या गलत, जिस बात का नहीं पता उसमें चुप तो कर जाना चाहिए, बेवकूफ तो नहीं होगा, पर पता होगा मेरे को बता दो। इनको जितनी फोर्स बनानी है बना ले, ये 1,000 बुलाएं, 10,000 बुलाएं, गोली मारे, बैरियर तोड़ेंगे, दिल्ली जाएंगे। लेकिन लेकिन इंसानियत के नाते, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं ये हमारे दुश्मन नहीं है, सरकार हमारे से दुश्मनी बरत सकती है, पुलिस वाले हमारे परिवारों से, इन्होंने आधे घंटे का टाइम मांगा है कि हमें आधे घंटे का टाइम मांग दे दो, हम सरकार से बात कर लें। आपकी हालात देख के सरकार से बात कर रहे, वैसे तो कौन किसने करनी थी? आप तब तक लंगर सको, लंगर साथ में है, आधा घंटा हम रुकेंगे लंगर के लिए, आप लंगर सको तब तक आधा घंटा पूरा हो जाएगा, फिर चलेंगे और लंगर पुलिस वालों को भी शिकाओ। ये बात सही बात, ठीक है, लंगर तो सबका इकट्ठा होता है, लंगर सकी है, आप आधे घंटे तक यहाँ रुकेंगे, लंगर सकी है, लंगर सकने के बाद हम चले, और सब पत्रकार भाई, दो पुलिस वाले भाई, सबको शिकाओ लंगर। मेरी बात सुन लो, पत्रकार साहब उन्होंने पहले भी कहा था होर पड़ा ला ले, मेरे गेट कंध ला ले, अरे हाथ लेकर इन पता लगे प्रसादा चको, प्रसादा बैठ जाओ, एन गड्डी अगे तक बैठ जाओ, और पिछे तक जहां तक थमा वा, गुरनाम सिंह का फोन पीछे आप देख सकते हैं किसानों का जीती रोड पे लंगर, लंगर चल चुका है, लंगर के लिए बैठ गए किसानों का, लंगर चल चुका है, बाबे नानक का लंगर लग चुका है, अरे खाएंगे हमारे रणजीत सिंह खट्टर साहब नोनी से पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं लंगर स्टार्ट हो चुका है, हमारे किसानों का बाबे नानक का लंगर चल चुका है, शासन भी किसानों का लंगर खाएगा, देख सकते हैं।
नाना जी यो नहीं रखो लेकर क्या दिक्कत है जी, लंगर चलेगा अब तो, लंगर चलेगा कोई दिक्कत नहीं है जी, आधे घंटे का टाइम दे रखा। मौड़ी के अंदर प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिए, हर यही सेवादार ने लंगर पानी का इंतजाम कर दिया है, पानी की गड्डियां खड़ी कुछ लोग कर सकती है। मेरा भारतीय किसान यूनियन थोड़ा आगे बढ़ जाओ, लाइन लगेगी लंबी, आगे हो जाओ थोड़ा, आगे हो जाओ आगे। किसानों का लंगर जीती रोड पर मोड़ी पर चल चुका है, आप देख सकते हैं। मैं सभी जो भी मेरे किसान भाई इस लाइव को देख रहे हैं, सभी कुरुक्षेत्र पीपली पहुंचे, केथल के, यमुनगर के, छिछरौली के, अपना जो अभी पीछे रह गया जल्दी से जल्दी जीती रोड पे पहुंच जाए। आगे और उसके बाद लंगर छकाने के बाद फिर आपको लाइव दिखाया जाएगा।